जी मेरा नाम अमन शर्मा है जी, मैं जिला विदिशा सरोन क्षेत्र से आया हूँ, विदिशा लगता है जी। ये मेरी भतीजी है, ये 4 वर्ष की है, नहीं बोल नहीं पाती है। डॉक्टर ने मैं भोपाल चेकअप कराया था इसका, तो मूंगी बेरी बताई थी, मूंगी बेरी हाँ वो बोला था कि ऑपरेशन आप करवाओ ठीक हो जाएगी। फिर हम लोगों ने उसने कहा हमने कि भाई कुछ गारंटी है, बच तो जाएगी नहीं तो पता चले हाथ से खो दें, कोई गारंटी नहीं है, ये आप अपने जिम्मेदारी आप अपनी है। आपके बारे में हमारे पड़ोस में भतीजी रहती है, अच्छा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उनके यहाँ से वो कुछ बोलने लगी, थोड़ा बहुत सुनने भी लगी। वो लोग हमारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ले चुके हैं आपका, साल भर साल भर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके यहाँ से, और वो थोड़ा बहुत सुनने भी लगी, बच्चे भी बोलना भी स्टार्ट कर दिया। 14 साल की है और 14 वर्ष की है, बोलने सुनने लगी, तो हमने कहा चलो भाई अपन भी एक प्रयास कर लें। तो हम लोग यहाँ आए, देखा तो अभी सब यहाँ चेकअप भी हुआ, तो आपने कहा सुनने बोलने लगेगी, बहुत खुशी हुई कि आगे आगे ठाकुर जी की और आप सबका आशीर्वाद ही बोलने लगे तो और अच्छी बात है। सर विश्वास के इसलिए कि मैंने गाड़ी बुक की थी दूसरी बस, वो निकल गई थी सर, हमने सब वहीं सब लोग कहने लगे आप वापस आ जाओ वापस, नहीं मैंने कहा मैं जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा वहीं जाऊँगा। तो मुझे क्या है सर विश्वास बहुत था, और यूट्यूब पर भी मैंने सर की वीडियो वगैरह देखी, तो मैंने कहा आपको जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम सरयू यादव है, हम नेपाल से आए हैं, जिला मेरा मोहतरी हुआ, घर और रही नगर पालिका वार्ड नंबर 1, पेशेंट में मेरा लड़का हुआ बेटा, इसका उम्र 14 वर्ष हो गया, 7 वर्ष के था तो इसका कान में 81 दोनों कान के नजर डॉक्टर के कहने के मुताबिक सूख गया मम्स होने के बाद। इसके बाद हम इसका एलोपैथिक उपचार नेपाल में ही कराएं, टीजी हॉस्पिटल भीर हॉस्पिटल, इसके बाद क्या कहते होम नर्सिंग होम, इसके बाद पटना भी आए, पटना एम्स में भी कराएं, प्राइवेट में भी कराएं, सभी जगह एक ही रिजल्ट निकला कि इसका काम करना सा सूख गया है, अब कोई उपाय नहीं है, ऊपर वाला चाहेगा तभी होगा नहीं तो नहीं है कोई उपाय। आपको बारे में हम नेट से जब यूट्यूब में सर्च करे थे वास्तव में इस संसार में डिफ्रेंस का कोई उपचार है कि नहीं है, तो इसीलिए जब हम विद्यालय को सर्च कर रहे थे उसी में डिफ्रेंस हमारा आपका यूट्यूब में निकला अहमदाबाद में। इसके बाद हम आपसे संपर्क किए फोन में, फोन से संपर्क करने के बाद लॉकडाउन हो गया, हम नहीं आ पाए, लेकिन अभी जब आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो हम आपको यहाँ आए हैं, बच्चा को उपचार कराए। उपचार से पहले जब आपसे मिलने आए तो आप एक इसका मशीन से टेस्ट किए तो मेरा बच्चा ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, हम नहीं सुन रहे हैं। उपचार के बाद 2 घंटे के बाद आपने फिर वही मशीन लगाया तो बच्चा ने कुछ प्रगति सुनाई दे रहा है, उसको कह करके सब आदमी के सामने में कहा, हाँ शब्द भी बोले जो आप कहें कान में वो अपना रिटर्न भी कहा। देखिए सर ऊपर वाले ने सुन लिया आपकी, जो बोला था ना डॉक्टर ने क्या बोला था, जब भगवान चाहेगा सुन लेगा, आज इसने सुन लिया तो अब भगवान की मर्जी है कि ये सुने। अब मुझे तो लगता है कि जो ऊपर वाला ने भगवान के ही साथ पठा दिया है यहाँ, हम तो आज पहले दिन आपके यहाँ आए हैं, हम ऊपर वाले से विनती करते हैं कि जिस तरह से पहले ही दिन जिस प्रतिशत के हिसाब से मेरे लड़का को सुधार हुआ है, आप 6 महीना की दवा दिए हैं, 6 महीना में पूर्ण रूप से अगर कंप्लीट हो जाए और हम मेरा आवाज़ सुनने वाले जितने भी संसार में लोग हैं है ना, वो अपना हरास नहीं होकर यहाँ आकर के अपना क्या कहते हैं कि जो कान के जो सुनने का क्षमता है, जो लोग बहरेपन कहता है वो सुन सकता है, इसका इलाज यहाँ हो रहा है।